प्रदेश में यूपी पुलिस का इनकाउंटर हमेशा संगीन सवालों के साए में घूमता रहता है। ना सिर्फ मृतक के परिवार वाले इन इनकाउंटर को गलत बताते हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियां तो सीधे योगी सरकार पर ही उंगली उठा देती है। अब इन्हीं सवालों के जवाब में योगी सरकार ने यूपी में हो रहे इनकाउंटर को लेकर नया फरमान सुना दिया है। योगी सरकार ने इनकाउंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि यूपी पुलिस को इनकाउंटर के फौरन बाद क्या करना है। सरकार ने सख्त आदेश में कहा है कि एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी, और अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो दो डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और उसकी भी वीडियोग्राफी होनी जरूरी है। यानी कि सरकार ने मुठभेड़ वाली जगह और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा डीजीपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां फॉरेंसिक टीम निरीक्षण करेगी, साथ ही साथ एनकाउंटर स्पॉट की जांच उस क्षेत्र के थाने की पुलिस नहीं करेगी, बल्कि दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच से जांच कराई जाएगी। शासन की गाइडलाइन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एनकाउंटर में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर के अधिकारी ही इसकी जांच करेंगे। इतना ही नहीं, एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के परिजनों को भी इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी, इसकी जानकारी पंचनामा रिपोर्ट में भी देनी होगी। वहीं एनकाउंटर के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उनको भी सरेंडर करना होगा, ताकि उन हथियारों की भी जाँच हो सके। जिन मामले में अपराधी घायल होते हैं उनसे बरामद किए गए हथियारों का भी बैलिस्टिक परीक्षण कराया जाएगा। फिलहाल डीजीपी की ओर से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को एनकाउंटर को लेकर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर काफी बवाल हुआ था। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जाति देखकर मारने के आरोप लगाए थे, तो वहीं बहराइच हिंसा के दो आरोपी सरफराज और तालिब के एनकाउंटर में घायल होने के मामले पर भी सवाल उठ रहे थे। बहरहाल एनकाउंटर पॉलिटिक्स के बीच इस गाइडलाइन का यूपी पुलिस कितना पालन करती है वो अहम है। अगर इन गाइडलाइंस का पालन हो भी जाता है तो क्या एनकाउंटर पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।